उत्तर प्रदेश के मऊ के सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अमशा बेगम के गाजीपुर जनपद के नदगंज क्षेत्र स्थित फतेह उल्लापुर स्थित खदान गोदाम तक जाने वाली 170 मीटर कंक्रीट की अवैध सड़क को प्रशासन ने खुदवाकर तालाब में मिला दिया है। आपको बता दें, इस दौरान ग्रामीणों की काफी भीड़ भी देखी गई। फतेह उल्ला स्थित तालाब की जमीन पर कब्जा मुख्तार अंसारी द्वारा बनाए गए अवैध चक रोड को एसडीएम सदर अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने दल बदल के साथ जाकर खुदवा दिया। गोदाम मोड़ से लेकर धनु पंडित के मकान तक लगभग 170 मीटर कंक्रीट की सड़क का कुल रकबा करीब 9 बिस्बा बताया गया है। इस मौके पर सीओ सिटी ओजस्वी चावला के साथ थाना कोतावली और थाना नंदगंज की पुलिस मौजूद रही। इस संदर्भ में एसडीएम सदर अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने बताया कि तालाब की जमीन पर मुख्तार अंसारी ने जबरदस्ती कब्जा करके अपनी पत्नी के नाम पर बने अनाज के गोदाम तक जाने के लिए चक्रोड बनवा दिया था। उक्त मार्ग की खुदाई कर उसे पुनः तालाब में मिला दिया गया है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.